वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे स्टूडेंट्स ने पर्टिकुलरली मैसेज किया कि आप लोग कि मैं जैसे मैंने फंगल सीरीज स्टार्ट करी थी उसी तरीके से एक एल्गल सीरीज भी मैं स्टार्ट करूं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एल्गल की जो लाइफ साइकिल है उस पर मैं पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊँ। सो हेयर इट इज़। सो आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर फॉर्म है, ठीक है। क्लैमाइडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गी, इट इज़ अ यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर फॉर्म, ठीक है। तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं अपने चैनल पे वीडियोस लेके आती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी। आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं या मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट हैं या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी, रिलेटेड टू बॉटनी। सो डेफिनेटली ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे और मेरे चैनल के थ्रू, मेरी वीडियोस के थ्रू। सो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इमेज देख रहे हैं ये वाला, तो ये फोटोग्राफ जो है माइक्रोस्कोपिक इमेज है ऑफ क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास की माइक्रोस्कोपिक इमेज अगर हम देखें तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा क्लैमाइडोमोनास। ये यूनिसेल्यूलर फॉर्म है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सेकेंड इमेज अगर हम देखें तो ये हमें एक पाल्मिला स्टेज देखने को मिलती है क्लैमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल में। जो करेक्टरिस्टिक फीचर है क्लैमाइडोमोनास का ये भी आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, पाल्मिला स्टेज क्या होती है, कैसे बनती है। सो यहाँ पे ये स्टेज आपको दिखाई दे रही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्लैमाइडोमोनास का डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि क्लैमाइडोमोनास बायफ्लेजिलेट होता है, उसमें दो फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, उसके पास पायरेनॉइड होता है, उसके पास स्टार्च ग्रेन होता है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये सब डिटेल वीडियो हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ क्लैमाइडोमोनास। तो क्लैमाइडोमोनास बिलोंग्स टू द क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली क्लैमाइडोमोनिडेसी, ठीक है। अगर अकरेंस की हम बात करें तो क्लैमाइडोमोनास इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर एल्गा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें कि क्लैमाइडोमोनास यूनिसेल्यूलर फॉर्म है या फिर मल्टीसेल्यूलर फॉर्म है। एमसीक्यू में कंफ्यूजन के लिए डाल दिया जाता है कि क्लैमाइडोमोनास इज अ यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर फॉर्म। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है जो क्लैमाइडोमोनास है वो यूनिसेल्यूलर फॉर्म है और वो फ्रेश वाटर एल्गा है, वो कभी भी मैरीन वाटर एल्गा नहीं रहेगा, ठीक है। मैरीन वाटर में वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमें क्लैमाइडोमोनास की एग्जिस्टेंस हमेशा फ्रेश वाटर फॉर्म में ही देखने को मिलेगी। सो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि वो फ्रेश वाटर है या फिर मेरीन वाटर है, ठीक है, मेरीन वाटर फॉर्म है। इट हैज़ अबाउट 50 स्पीसीज अक्रिंग इन फ्रेश वाटर। हमें फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है, हमें पॉन्ड्स में देखने को मिल सकता है फ्रेश वाटर, लेक में, टैंक्स में, तो वहाँ पे हमें क्लैमाइडोमोनास की एग्जिस्टेंस भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और पर्टिकुलरली वो वाटर जो नाइट्रोजिनस मैटर में, नाइट्रोजिनस वेस्ट में थोड़ा रिच है, वहाँ पे भी हमें क्लैमाइडोमोनास की एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है। और जो क्लैमाइडोमोनास होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, ग्रीन टर्बिडिटी टू द पॉन्ड्स एंड लेक। जो पॉन्ड्स और लेक्स में ग्रीन कलर हमें देखने को मिलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। क्लैमाइडोमोनास की प्रेजेंस भी एक रीज़न हो सकती है कि हमें पॉन्ड्स और लेक्स में टर्बिडिटी देखने को मिलती है। कुछ स्पीसीज क्लैमाइडोमोनास की ऐसी भी होती हैं जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होती है, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल में हमें देखने को मिलती है। अब टेरेस्ट्रियल मतलब जो सॉयल में हमें देखने को मिले, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं होगा कि जो सॉयल पूरी ड्राई है वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस बहुत कम है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो क्लैमाइडोमोनास की प्रेजेंस हमें जो बैंक्स होते हैं, लेक के, पॉन्ड्स के जो बैंक होते हैं जहाँ पे सॉयल मॉइस्ट होती है वहाँ पे हमें
क्लमाइडोमोनास की पर्टिकुलर कुछ कुछ स्पीसीज वहाँ पे देखने को मिलेंगी। कुछ स्पीसीज क्लमाइडोमोनास की ऐसी भी होती हैं जो हमें अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल क्लमाइडोमोनास येल्लो स्टोनेंसिस एक ऐसी स्पीसीज है क्लमाइडोमोनास की, येल्लो स्टोनेंसिस नाम से ही पता चल रहा है। तो वो क्या करती है, येल्लो कलर प्रोवाइड करती है स्नो में। अगर आप यहाँ पे इमेज में ये फोटोग्राफ देखें तो इस स्नो में येलो कलर हमें दिख रहा है, येलो कलर की स्नो दिख रही है, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस। ठीक है, तो जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है यूएसए का, उसके जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं वो पूरे येलो कलर के हमें देखने को मिलते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ येलो स्टोनेंसिस, क्लमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि येलो कलर स्नो में येलोस्टोन नेशनल पार्क में जो यूएसए में है उस पे जो येलोइश ग्रीन कलर आता है वो कौन सी एल्गा की वजह से आता है। ठीक है, और दूसरी स्पीसीज है क्लमाइडोमोनास की, क्लमाइडोमोनास निवेलिस, जो कि क्या करती है ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है, रेड कलर प्रोवाइड करती है क्लमाइडोमोनास निवेलिस। ठीक है, कहाँ पे, अल्पाइन और आर्कटिक रीजन की जो स्नो है वहाँ पे वो रेड कलर प्रोवाइड करती है स्नो को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट हिमेटोक्रोम। वो एल्गी में क्लमाइडोमोनास निवेलिस में रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हिमेटोक्रोम बोलते हैं, उस पिगमेंट की वजह से वो क्या करती है रेड कलर प्रोवाइड करती है स्नो को। ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं ये वाला कि यहाँ पे स्नो पूरी रेड कलर की दिख रही है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है, एल्गी की वजह से है। कौन सी एल्गी, क्लमाइडोमोनास निवेलिस, और ये येलो कलर किस वजह से है, क्लमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस की वजह से। ठीक है, और कुछ और जो पर्टिकुलरली जो स्नो में हमें देखने को मिलती है एल्गी उनको हम बोलते हैं क्रायोफाइट्स। क्रायो मीन्स हो गया स्नो, स्नो से रिलेटेड, फाइट्स मीन्स जो प्लांट्स हैं। ठीक है, एल्गी इज एल्गी बिलोंग्स टू द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो वो प्लांट या फिर वो पर्टिकुलरली जो एल्गी है पर्टिकुलरली कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, स्नो में देखने को मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रायोफाइट्स। अब जो क्लमाइडोमोनास हेलोफिला है, ठीक है, क्लमाइडोमोनास हेलोफिला एंड क्लमाइडोमोनास इरनबर्गाई, ये पर्टिकुलरली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सेलाइन वाटर में। देखो अभी मैंने ऊपर बताया कि ये फ्रेश वाटर फॉर्म है, ठीक है, तो मेरीन वाटर में ये हमें देखने को नहीं मिलेगी, बट कुछ स्पीसीज पर्टिकुलरली ऐसी है जो सिर्फ सेलाइन वाटर में ही हमें देखने को मिलेगी, तो उसमें से क्लमाइडोमोनास हेलोफिला, नाम से ही पता चला, हेलोफाइट्स किसको बोलते हैं हम जो हमें सेलीन फॉर्म सेलीन वाटर में देखने को मिलेंगे, तो क्लमाइडोमोनास हेलीफिला हेलोफिला एंड क्लमाइडोमोनास इरनबर्गाई दो ऐसी फॉर्म है जो हमें सेलाइन वाटर में भी देखने को मिलती है। और इंडिया में दिस जीनस इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 18 स्पीसीज। ऑलराइट, अब हम देखते हैं क्लमाइडोमोनास का जो थैलस है, थैलस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है। जो क्लमाइडोमोनास है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया कि इट इज़ अ यूनिसेल्युलर मोटाइल एल्गा, यानी कि ये यूनिसेल्युलर होगा, सिंगल सेल्ड होगा, मोटाइल एल्गा यानी कि ये मूव कर सकता है। तो मूवेबिलिटी के लिए या फिर हम मूवमेंट के लिए बोल सकते हैं, क्या प्रेजेंट होता है इसमें, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। द सेल इज बाई फ्लैजिलेट, बाई फ्लैजिलेट मीन्स दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होंगे, और जो सेल का शेप होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, पियर शेप भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। और जो एंटीरियर एंड होता है क्लमाइडोमोनास का वो कैसा होता है, पेपिलेट होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर एंड जो होगा वो ब्रॉडर होगा। आप ये इमेज में देख सकते हैं जो एंटीरियर एंड है ये वाला एंड, एंटीरियर एंड ये क्या है, पेपिलेट है। ठीक है, एक बीक टाइप की आपको दिख रही है, ये एंटीरियर एंड पेपिलेट होता है, और पोस्टीरियर एंड यानी कि पीछे वाला पार्ट वो क्या होता है, ब्रॉड होता है। बट किसी स्पीसीज में फॉर एग्जांपल क्लमाइडोमोनास कॉर्डेटा में हमें ये देखने को मिलता है कि जो पोस्टीरियर एंड है वो क्या होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक है, मोस्टली हमें क्या देखने को मिलता है, जो एंटीरियर एंड है वो पेपिलेट होगा, वो पॉइंटेड होगा, और पोस्टीरियर एंड ब्रॉडर होगा। बट क्लमाइडोमोनास कॉर्डेटा में पोस्टीरियर एंड क्या होता है, पॉइंटेड होता है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ क्लमाइडोमोनास हैव अ मैसिव कप शेप्ड पेराइटल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मैसिव यानी कि बहुत बड़ा होगा। ठीक है, मतलब सेल में ज़्यादातर पार्ट
जो है क्लोरोप्लास्ट घेर के रखेगा। कप शेप का भी हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमें शेप का हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। किन्हीं किन्हीं स्पीसीज में हमें एच शेप का भी देखने को मिलता है, डिस्कॉइड देखने को मिलता है, रेटिकुलेट देखने को मिलेगा, रिज्ड किस स्पीसीज में देखने को मिलेगा। और जो क्लोरोप्लास्ट होगा उस पर क्या होगा, एक सिंगल पायरेनॉइड प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट हैज अ सिंगल पायरेनॉइड लाइंग इन इट्स पोस्टीरियर पार्ट अलोंग द मीडियन लाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं या फिर यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, पायरेनॉइड प्रेजेंट है। ये मीडियन लाइन पे ऐसे यहाँ पे पायरेनॉइड प्रेजेंट रहेगा और पायरेनॉइड को कौन घेर के रखेगा, स्टार्च ग्रेन उसको घेर के रखेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टार्च ग्रेन ने साइड पायरेनॉइड को साइड में घेर करके रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द एंटीरियर पेपिलेट पार्ट ऑफ दिस सेल बियर्स टू फ्लैजिला। एंटीरियर साइड में हमें दो फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, ये और ये, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाई फ्लैजिलेट, जो कि क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ, दोनों फ्लैजिला बराबर होंगे और विपलेस टाइप के होते हैं। दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं, विपलेस एंड टिनसेल, तो इसमें हमें विपलेस टाइप के फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। और जो फ्लैजिला होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, न्यूरोमोटर एपरेटस ऑफ द सेल। न्यूरोमोटर एपरेटस क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। तो जो फ्लैजिला होते हैं वो न्यूरोमोटर एपरेटस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोमोटर एपरेटस क्या होता है, जनरली जो न्यूरोमोटर एपरेटस होता है वो तीन मेन पार्ट उसके होते हैं। नंबर वन इज ब्लीफेरोप्लास्ट, सबसे पहले होता है ब्लीफेरोप्लास्ट। ब्लीफेरोप्लास्ट क्या होता है, एक स्मॉल ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हर एक फ्लैजिला के बेस में प्रेजेंट होता है। अब आप ये वाला फिगर देखिए, ठीक है, इस फिगर में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ये स्ट्रक्चर है, ये हर एक फ्लैजिला के बेस पे, ये क्या है हमारा ब्लीफेरोप्लास्ट, दिस इज ब्लीफेरोप्लास्ट, ठीक है। हर एक फ्लैजिला के बेस पे एक स्मॉल ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। ब्लीफेरोप्लास्ट, दो ब्लीफेरोप्लास्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे थ्रू पैराडेस्मोस। पैराडेस्मोस किसको बोलते हैं हम, ये जो दो ब्लीफेरोप्लास्ट हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे किसके थ्रू, पैराडेस्मोस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे फ्लैजिला होगा, ये पूरा हमारा एक क्लैमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद राइजोप्लास्ट क्या होता है, राइजोप्लास्ट एक थिन सॉफ्ट थ्रेड लाइक कनेक्शन होता है जो क्या करता है, ये ब्लीफेरोप्लास्ट को कनेक्टिंग ऑफ द ब्लीफेरोप्लास्ट विद द सेंट्रोसोम ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में का जो सेंट्रोसोम है उससे इन जो स्ट्रक्चर है ये उसको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। ब्लीफेरोप्लास्ट को कनेक्ट करके रखेगा, ये देखे आप यहाँ पे, तो ये जो दो पॉइंट्स हमें दिखने को मिल रहे हैं ये हो गए हमारे ब्लीफेरोप्लास्ट। इन दोनों को कनेक्ट करके जो ये रख रहा है उसको हमने बोल दिया पैराडेस्मोस। अब जो ये ब्लीफेरोप्लास्ट दोनों कनेक्टेड हैं, इस कनेक्टेड ब्लीफेरोप्लास्ट को न्यूक्लियस के सेंट्रोसोम से, ये न्यूक्लियस हो गया, ये वाला पूरा न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस के सेंट्रोसोम से जो कनेक्ट कर रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं राइजोप्लास्ट। और ये तीनों मिलके बनाते हैं न्यूरोमोटर एपरेटस ऑफ द सेल, ठीक है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूरोमोटर एपरेटस, तो न्यूरोमोटर एपरेटस तीन पार्ट से मिलके बना है, ब्लीफेरोप्लास्ट, पैराडेस्मोस और राइजोप्लास्ट। ब्लीफेरोप्लास्ट क्या होता है वो आप लोगों को मैंने बता दिया, पैराडेस्मोस क्या है वो बता दिया, एंड राइजोप्लास्ट क्या है वो बता दिया। राइजोप्लास्ट क्या करेगा, ये जो कनेक्टेड ब्लीफेरोप्लास्ट हैं उसको न्यूक्लियस के सेंट्रोसोम से कनेक्ट करके रखेगा, ये न्यूक्लियस का सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और ये हो गया न्यूक्लियस का सेंट्रोसोम, ओके। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन में, क्लैमाइडोमोनास में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली दो टाइप का देखने को मिलता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट टेक्स प्लेस मेनली बाय जूस्पोर्स, जूस्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलेगा। बट इन सम अदर टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अदर स्पोर्स से भी हमें देखने को मिलेगा अदर देन जूस्पोर, मेनली जूस्पोर्स के थ्रू होता है बट अदर देन जूस्पोर्स भी हमें कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे एप्लैनोस्पोर, हाइपनोस्पोर एंड
पालमेला स्टेज हमें देखने को मिलती है। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि पालमेला स्टेज करेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्लाइमेडोमोनास का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें बाय जूस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करता है, तो जूस्पोर्स जो होते हैं, मैंने हमेशा बताया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में टेक प्लेस करेगा। तो जूस्पोर्स कब बनेंगे, जब कंडीशन क्या होंगी, फेवरेबल होंगी, ठीक है। जब जूस्पोर बनने का टाइम आएगा तो सेल क्या करता है, अपना फ्लैजिले को, अपना फ्लैजिला विड्रॉ कर लेगा, अपना फ्लैजिला को हटा देगा, और कैसा हो जाता है, नॉन मोटाइल। अब फ्लैजिला जब रिमूव कर दिया सेल ने तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन मोटाइल हो जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ जूस्पोर फॉर्मेशन द सेल विड्रॉज इट्स फ्लैजिला एंड बिकम नॉन मोटाइल। द प्रोटोप्लास्ट विड्रॉज फ्रॉम द सेल वॉल एंड डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली इंटू टू डॉटर प्रोटोप्लास्ट। अब जो सेल है, सेल ने अपना प्रोटोप्लास्ट, अपना फ्लैजिला लूज कर दिया, और वो क्या करेगा, अपना प्रोटोप्लास्ट को सेल वॉल से अलग कर लेगा, ठीक है। अपना प्रोटोप्लास्ट को सेल वॉल से विड्रॉ कर लेगा। अब प्रोटोप्लास्ट यहाँ पे इकट्ठा हो गया, अब इसमें लॉन्गिट्यूडनली डिविजन होगा कि एक के बाद दो सेल, दो के बाद चार सेल, चार के बाद आठ सेल्स, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट हमें डिविजन देखने को मिलेंगे, ठीक है। This is followed by the successive longitudinal divisions at the right angle to each other, forming 8, 4, 8, 16 or more uninucleate protoplast within the parental cell wall. Parental cell wall के अंदर ही हमें 4, 8, 16 और उससे ज़्यादा uninucleate protoplast देखने को मिलेंगे। फिर each of these protoplast secretes a wall around itself. फिर एक-एक जो protoplast है अपने चारों ओर से एक thick wall को secrete कर लेगा, और फिर धीरे धीरे क्या करेगा, फ्लैजिला को डेवलप करेगा, और हर एक एक सेल एक न्यू इंडिविजुअल में, एक न्यू जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। दीज फ्लैजिलेट डॉटर सेल आर सिमिलर टू द पेरेंटल सेल इन स्ट्रक्चर एंड शेप एक्सेप्ट फॉर द स्मॉलर साइज। अब जब ये रिलीज होंगे यहाँ से तो ये क्या होंगे, बिल्कुल पेरेंटल सेल की तरह ही होंगे, बट डिफरेंस हमें कहाँ देखने को मिलेगा कि ये थोड़े क्या होंगे, पेरेंटल सेल से छोटे होंगे। तो इन डॉटर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जूस्पोर बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, डॉटर सेल है। सेल ने सिंपली क्या किया, अपना फ्लैजिला को रिमूव किया, ठीक है। एक जगह पे बैठा सेल, अपने फ्लैजिला को उसने रिमूव किया, प्रोटोप्लास्ट को सेल वॉल से विड्रॉ किया, और उसमें कंटिन्यूअसली लॉन्गिट्यूडनल डिविजन हुए, डिविजन हुए। उसके बाद हर एक जो सेल बनी उसने अपना फ्लैजिला डेवलप किया और रिलीज हो गया। तो वो क्या है, एक वो एक डॉटर सेल, एक जूस्पोर है। ऐसे ही बहुत सारे बने होंगे, तो वो बहुत सारे जूस्पोर्स बने, ठीक है। द जूस्पोर इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म अ न्यू सेल विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू जूस्पोर्स आफ्टर 24 आवर्स। फिर ऐसे ही करके क्या होगा, हर एक जो जूस्पोर रिलीज होगा वो साइज में इंक्रीज होगा और कैपेबल होगा नया जूस्पोर बनाने में आफ्टर 24 आवर्स। और कभी कभी क्या होता है, जो जूस्पोर होते हैं वो फेल हो जाते हैं बाहर रिलीज होने में। ये हमारा एक सेल था, पेरेंटल सेल था, तो इसमें जो प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हुए, यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स बनेंगे, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट का डिविजन हुआ, ये अलग अलग करके ऐसे करके सेल्स बन गए बहुत सारे। ये सब क्या है, जूस्पोर थे। इनको क्या होना चाहिए था, बाहर लिबरेट होना चाहिए था, बट ये नहीं लिबरेट हो पाते हैं। उसकी वजह से जो पेरेंटल जो वॉल में ही ये रह जाते हैं सब के सब। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं पालमेला स्टेज, यानी कि जब जूस्पोर फेल हो जाते हैं बाहर एस्केप होने से, और जो पेरेंटल जेलेटेनियस मास होता है उसी के अंदर रह जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर टाइम। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं पालमेला स्टेज। और पालमेला स्टेज पर्टिकुलरली हमें कहाँ देखने को मिलती है, क्लाइमेडोमोनास के केस में देखने को मिलती है। अब जो दूसरा रिप्रोडक्शन होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दूसरे मेथड से, दूसरे स्पोर से, वो होता है बाय ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर हमें कब देखने को मिलेगा, जब कंडीशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी उस टाइम पे, अंडर कंडीशन ऑफ ड्रॉट। जब ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी तो सेल क्या करेगा, अपना फ्लैजिला को रिमूव कर देगा, एंड देयर प्रोटोप्लास्ट डिवाइड इंटू 2 to 16 प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट कितने में डिवाइड हो जाएगा, 2 to 16 प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। ईच प्रोटोप्लास्ट सिक्रीट्स अ थिन वॉल बट डज नॉट डेवलप फ्लैजिला, ठीक है।
हर एक प्रोटोप्लास्ट एक अपने चारों ओर से एक वॉल का डेवलपमेंट करेगा, बट फ्लैजिले का डेवलपमेंट नहीं करेगा। जूस्पोर के केस में प्रोटोप्लास्ट जो सेल थी वो फ्लैजिले का डेवलपमेंट कर रही थी, बट यहाँ पे ए प्लेनोस्पोर में डिफरेंस ये आएगा कि सेल जो होगी वो फ्लैजिला का डेवलपमेंट नहीं करेगी। दीज नॉन मोटाइल सेल्स आर कॉल्ड ए प्लेनोस्पोर। तो ये नॉन मोटाइल सेल्स को हम बोलेंगे ए प्लेनोस्पोर। इन सम स्पीसीज ए प्लेनोस्पोर सिक्रीट अ थिक वॉल अंडर कंडीशन ऑफ सीवियर ड्रॉट। अब बहुत ज्यादा ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है तो ये सेल जो थिन वॉल सिक्रीट की थी उसने, उसके अलावा ये एक थिक वॉल अपने चारों ओर से सिक्रीट कर लेती है, और उस थिक वॉल स्ट्रक्चर को, उस थिक वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर को हम क्या बोलते हैं, हाइपनोस्पोर। क्या बोलते हैं उनको हम, हाइपनोस्पोर। अब ये कब जर्मिनेट करेंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पाल्मेला स्टेज को स्पेशली पढ़ते हैं। पाल्मेला स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से ये पॉइंट बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। जब कंडीशन बहुत एडवर्स हो जाती है, ठीक है, बहुत एडवर्स भी नहीं बोल सकते हम, जब कुछ रीजन की वजह से जूस्पोर एस्केप नहीं कर पाते हैं पेरेंटल सेल वॉल से, तो उस टाइम पे हमें पाल्मेला स्टेज देखने को मिलती है। जो प्रोटोप्लास्ट होता है पेरेंटल सेल का, वो क्या होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहता है, बट उन्होंने अभी फ्लैजिला का डेवलपमेंट नहीं किया होता है, तो वो हम क्या बोलेंगे, वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होते हैं। अंडर एडवर्स कंडीशन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द पेरेंटल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 to 8 डॉटर सेल्स। दीज सेल्स डू नॉट डेवलप फ्लैजिला एंड आर नॉन मोटाइल एंड रिमेन विद इन द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द जिलेटिनियस जिलेटिनाइजेशन ऑफ पेरेंटल सेल वॉल। अभी जो सेल्स डिवाइड होकर के बनी थी वो सेल अलग नहीं हो पाती, वो पेरेंटल जो पेरेंट का सेल वॉल था उसके जिलेटिनियस मास में ही रह जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पाल्मेला कंडीशन या फिर पाल्मेला स्टेज। दिस टेम्परेरी कॉलोनी ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ सेल इन अ कॉमन जिलेटेनियस मैट्रिक्स इज टर्म्ड एज पाल्मेला स्टेज। इस कंडीशन को, इस स्टेज को हम बोलते हैं पाल्मेला स्टेज या फिर पाल्मेला कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हमें हंड्रेड और कभी कभी थाउजेंड सेल्स भी देखने को मिलती है, और ये क्या है, ये परमानेंट स्टेज नहीं है, ये क्या है, टेम्पररी स्टेज है। ये भी डिफरेंस पूछा जाता है कि पाल्मेला स्टेज इज अ टेम्पररी स्टेज और अ परमानेंट स्टेज, तो ये टेम्पररी स्टेज है, इट इज अ टेम्पररी रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, ये नॉन मोटाइल फेज होगा, टेम्पररी होगा, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, ये नॉन मोटाइल फेज होगा और टेम्पररी होगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही हमें ये देखने को मिलेगा। विद द रीअकरेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएंगी तो ये जिलेटेनियस जो मैट्रिक्स है वो ब्रेक हो जाएगी और ये सारे जो सेल्स हैं ये अपने में फ्लैजिला का डेवलपमेंट करेंगे और जिलेटेनियस मैट्रिक्स से बाहर आ जाएंगे और वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल ने अपना फ्लैजिला रिमूव किया, यहाँ पे क्या किया, रिमूवल ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला रिमूव किया, तो ये सेल नॉन मोटाइल हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का लॉन्गिट्यूडनल डिविजन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिविजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब प्रोटोप्लास्ट का डिविजन हुआ, उसके बाद बहुत सारी सेल्स बनी। कुछ अगर कंडीशन ये आई तो यहाँ पे हमें पाल्मेला स्टेज भी देखने को मिल सकती है, कि जब स्पोर्स रिलीज नहीं हो पाए, सेल जिलेटिनस मैट्रिक्स से बाहर रिलीज नहीं हो पाए, फिर इन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी तो ये क्या हो जाएगी, सेल रिलीज आउट हो जाएगी, फ्लैजिला का डेवलपमेंट हो जाएगा, फ्लैजिला डेवलप हो जाएंगी और किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपल सा। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करता है इन केस ऑफ क्लैमाइडोमोनास। देखो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें हम क्लैमाइडोमोनास का, तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ डायग्राम समझना है, आपको सिर्फ उसके स्टेप्स याद करने हैं और उसके बाद ये थ्योरी, आप जो लिखने वाला काम है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो डायग्राम है उसके थ्रू समझाने की कोशिश की है,
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ क्लैमाइडोमोनास वो आइसोगैमी के थ्रू भी हो सकता है, एनाइसोगैमी के थ्रू भी हो सकता है और ओगैमी के थ्रू भी हो सकता है। तो आइसो सबसे पहले हम देखेंगे आइसोगैमी के थ्रू क्या होता है। आइसो मीन्स सेम, जो गैमेट्स होंगे, जब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के थ्रू होगा, जहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होगा उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट आइसोगैमी में क्या होगा, जो फ्यूजिंग गैमेट्स होंगे वो सेम होंगे, वो दिखने में मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सेम होंगे, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया, आइसोगैमी। जो गैमेट्स होंगे, फ्यूजिंग गैमेट्स आर आइसोगैमेट्स, सेम होंगे दिखने में, तो उनको इसलिए हमने उसको बोला आइसोगैमी। क्लियर हो गया आइसोगैमी क्या होता है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू आइसोगैमी। ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं ए में, तो ये क्या है, एक वेजिटेटिव सेल है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे वेजिटेटिव सेल जो होगी वो कन्वर्ट होगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, आइसोगैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। बी वाले स्टेज में आप देख सकते हैं दोनों गैमेट्स क्या हैं, सिमिलर हैं शेप और साइज में, इसलिए उसको हमने बोल दिया आइसोगैमेट्स। फिर हम देख रहे हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन देख रहे हैं हम, सी टू ई, सी डी ई में हमें गैमेट्स का फ्यूजन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले गैमेट्स का फ्यूजन इस तरीके से होगा, देन ये भी फ्यूजिंग गैमेट्स हैं और ये भी फ्यूजिंग गैमेट्स हैं। ये क्या है, स्टेजेस हैं, स्टेजेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि क्वाड्री फ्लेजिलेट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, चार फ्लेजिला जो है, फोर फ्लेजिलेट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट हो गया, उसके बाद किसका डेवलपमेंट होता है, ऑब्वियसली जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। और जाइगोट का धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, जाइगोट जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट होगा। अभी जो डिप्लॉयड जाइगोट बना हुआ है, ये 2N जो जाइगोट बना है, ये डिप्लॉयड जाइगोट, इसमें क्या होगा, डिविजन होगा, जाइगोट में, जाइगोट के सेल में डिवीजन होगा और वो किस में कन्वर्ट होगा, यंग सेल्स में कन्वर्ट होगा अपने, ठीक है। तो फिर एक यंग सेल जो होगा रिलीज होगा और वो फिर एक वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट होगा। बहुत सारे डिवीजन होगा, अप्रॉक्स 32, मोर देन 32 सेल्स का फॉर्मेशन होगा जाइगोट से, और उसके बाद वो एक सेल रिलीज होगी, उसमें वो बायफ्लेजिलेट स्ट्रक्चर होगा, उसमें मोबिलिटी होगी, वो रिलीज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल में। सिंपल सा यही था आइसोगैमी के केस में, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी मतलब जहाँ पे जो गैमेट्स होंगे, जो फ्यूजिंग गैमेट होंगे, वो सिमिलर शेप एंड साइज के नहीं होंगे, ठीक है। देखते हैं अब हम, जो देखो ये यहाँ पे ए वाले में आप देख रहे हैं फीमेल गैमेटेंजियम और बी में हमें देखने को मिल रहा है मेल गैमेटेंजियम। गैमेटेंजियम यानी कि उसके अंदर गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। फीमेल गैमेटेंजियम के अंदर फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा और मेल गैमेटेंजियम के अंदर मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा। जो फीमेल गैमेट होगा वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है शेप में और साइज में, तो इसलिए हम उसको मैक्रोगैमेट भी बोलते हैं। और जो मेल गैमेट होता है वो एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट थोड़ा छोटा होता है, इसलिए उसको हम माइक्रोगैमेट बोलते हैं और इसीलिए इसको हम एनाइसोगैमी बोलते हैं, कि वहाँ पे जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वो कैसे हैं, शेप और साइज में अलग हैं, तो इसलिए हम उनको एनाइसोगैमी बोलते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ई वाले स्टेज में हमें फ्यूजन देखने को मिल रहा है, एनाइसोगैमी देखने को मिल रही है, फीमेल सेल, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। फिर उसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में डिवीजन होगा और डिवीजन होने के बाद फिर एक एक सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये था सिंपली एनाइसोगैमी। बस यही ध्यान में रखना, आइसोगैमी के केस में जो फ्यूजिंग गैमेट्स होंगे वो शेप और साइज में सेम होंगे, सिमिलर होंगे, बट इन केस ऑफ एनाइसोगैमी जो फ्यूजिंग गैमेट्स होंगे वो शेप और साइज में सिमिलर नहीं होंगे। फीमेल गैमेट थोड़ा बड़ा होगा इसलिए उसको हम मैक्रोगैमेट बोलते हैं और मेल गैमेट थोड़ा छोटा होगा इसलिए उसको हम माइक्रोगैमेट बोलते हैं, ऑलराइट। अब देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमी टाइप, ओगैमस टाइप, ठीक है। ओगैमी भी हमें क्लैमाइडोमोनास में देखने को मिलती है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें क्लैमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। तो ओगैमस टाइप में क्या होता है, जो फीमेल
रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जो फीमेल गैमेट होता है जिसको हम एग बोलते हैं, वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, वो अपनी पोजीशन में एक जगह पे स्थिर रहेगा, ठीक है, वो मूवेबल नहीं होता है। जो मेल गैमेट होगा वो माइक्रो गैमेट उसको हम बोलते हैं, वो साइज में छोटा होता है और वो मूवेबल होता है, वो मूव करके फीमेल गैमेट के पास आता है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं माइक्रोगैमेटेंजियम, यानी कि यहाँ पे माइक्रोगैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, या यानी कि यहाँ पे मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। मेल गैमेट्स का यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। मेल गैमेट कैसा होगा, माइक्रोगैमेट होगा, उस पर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, मैक्रोगैमेट या फिर मैक्रोगैमेटेंजियम भी इसको बोल सकते हैं। और ये क्या होगा, स्टेशनरी होगा, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो माइक्रोगैमेट मूव करके मैक्रोगैमेट के पास आएगा, फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट में क्या होंगे, डिवीजन होंगे, फिर एक सेल एक वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये अभी तक तो हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। अब हम देखते हैं कि जब जाइगोट बन गया है तो उस जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जाइगोट क्या हो गया है, बना है, ये 2-1 कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। अब जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस जो होगा टेक प्लेस करेगा, मियोटिक डिविजन, ठीक है, यहाँ पे मियोसिस होगी, द प्रोसेस ऑफ डिविजन ऑफ मियोसिस विल अकर, और सेल में डिविजन होते रहेगा कंटिन्यूस, यहाँ पे सेल का डिविजन होगा, एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, और फिर क्या होगा, जाइगोट में से सेल्स का जूस्पोर का रिलीज होगा, और हर एक जूस्पोर एक न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, और जाइगोट क्या करेगा, अपने चारों ओर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। और फिर एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ जूस्पोर ये वॉल क्या हो जाएगी, बर्स्ट होगी, और यहाँ से ये क्या होंगे, जूस्पोर सारे क्या होंगे, बाहर रिलीज होंगे, ठीक है। और हर एक जूस्पोर किस में कन्वर्ट होगा, एक वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से हम देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, यहाँ पे हमारा क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से समझ में आया होगा क्लेमाइडोमोनास की जो लाइफ साइकिल है वो समझ में आई होगी। ऑल दो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैंने डिटेल्ड आप लोगों को समझाया है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। अगर वीडियो लंबी होती है तो नो प्रॉब्लम, इससे अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, जो भी डाउट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम, वीडियो को लंबी होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके नीचे मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे बताइए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।